क्या हाल है, कैसे सब लोग? तो भैया, कल जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो मैचेस के ऊपर थी, छोटी सी लाइव स्ट्रीम मैंने चैनल पे की थी। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई जाके देख सकते हो, अगर नहीं किया तो दोबारा देख लो भाई, दोबारा से देख लो मैंने क्या कहा था कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ मैचेस की तो भाई क्या बात करूँ, क्या कमाल के मैचेस हुए। यूसीएल के सेकंड डे और क्या टीमों ने गेम खेला है। और लेवनडॉस्की भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जा, हैट्रिक कर लिए बंदे ने भाई। बारसा वाले गेम में एक कमाल का गेम हुआ, लिवरपूल नेपे बहुत कमाल का गेम हुआ। लिवरपूल की जो फॉर्म है ना, वो वाली फॉर्म अब रही नहीं है जैसे रात दिखती थी मुझे। वो 9 गोल था ना, वो दुप्पल था, मुझे लग रहा है वो 9 गोल वाला जो गेम था ना, वो दुप्पल गेम था। और वो टीम भी देख लो यार, 9 गोल किसके अगेंस्ट मारे थे। लेकिन यूसीएल में आपको परफॉर्म करना होता है, आप यूसीएल की फाइनलिस्ट टीम, यानी कि लास्ट ईयर लास्ट सीजन की फाइनलिस्ट टीम थी ये यूसीएल की, जो कल हारी है नेपोली से और 4-1 हारी है। मतलब क्लॉप को सोचना चाहिए कि भैया इतनी महंगी साइनिंग, 80 मिलियन की भैंसो साइनिंग की है डार्विन नूनेज से, वो कहाँ जाएगा, किस खाते में पैसे जा रहे हैं, कौन इसका जवाब दे। तो ये सारी चीज़ें है, जेम्स मिलनर का स्टार्ट करा दिया और क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अगर देखो तो। और सबसे मज़े का मैच जो हुआ है वो बारसा का मैच भी अच्छा हुआ, जिसमें लेवनडॉस्की भैया के 3 गोल देखने को मिले, हैट्रिक मारी है बंदे ने हैट्रिक। और अब थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि बायर्न म्यूनिख और इंटर को ना थोड़ा सा अलग मैसेज पहुंच गया होगा कि भाई ये लोग अभी हल्के नहीं आने वाले ना। पुराना वाला जो सीन है ना, सिनेरियो 8-2 वाला जो बायर्न और बारसा का जो चलता हुआ आ रहा है, जिस पे लोग अभी तक ट्रॉल करते हैं बारसा को, तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं। क्योंकि भैया बायर्न का ही स्ट्राइकर बारसा के लिए खेल रहा है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने पहले से इस चैंपियंस लीग के ड्रॉ पे ना बहुत सारी वीडियोस बनाई है ट्रॉल के लिए, तो खैर उसको छोड़ते हैं। लेकिन यार क्या गेम हुआ है। और इसके अलावा एक और गेम हुआ जो मज़े का गेम था, जो मतलब फुल टाइम होने के बाद जो 10 मिनट मिले ना एक्स्ट्रा, वहाँ गया है। और वहाँ जाके एटलेटिको ने थोड़ा सा पोट्रो को ना अपसेट किया, जहाँ पोट्रो ने अपसेट किया एटलेटिको को, एक टाइम मैच को ड्रॉ कर दिया था। फिर उसके बाद एटलेटिको ने वो गेम विन कर लिया उसी 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था ना, उसमें ही गेम का मतलब उसमें डिसीजन क्लियर हो चुका भाई। उस गेम के अंदर जो एटलेटिको ने अपना गेम दिखाया है, उसके पहला गोल किया, उसके बाद सेकंड गोल जो ड्रॉ लेवल हुआ, उसके बाद जो आखिरी जो गोल किया है ग्रीज़मान ने, तो मतलब वो गेम भी बहुत अच्छा मैच हुआ। तो मतलब अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं इस सीज़न, और बायर्न की टीम भी जीत चुकी है। तो बायर्न की टीम का अगर मैं बोलूँ तो यार वो भी इस हिस्सा है इस, उनके पास टीम भी बहुत अच्छी है स्ट्रॉन्ग। और इंटर की टीम थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि यार इनका बायर्न और इंटर का मैच थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नज़र नहीं आया मुझे। टॉटनम की टीम भी जीत चुकी थी, टॉटनम भी अच्छा खेल रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि तुम लोगों से डिस्कस करूं। और कल की लाइव स्ट्रीम में मेरी जाके देख लो भाई, मैंने वीडियो पोस्ट की थी वहाँ पे, मैंने क्या प्रिडिक्शन की थी, क्या बातें की थी। और आज की इस वीडियो में थोड़ा बहुत मेरा रिएक्शन है भाई चीज़ों को लेके। और सुनने में आ रहा है कि क्लॉप को सैक कराया जाएगा, ऐसा सुना है मैंने भाई, मुझे पक्का नहीं, नहीं पता अभी तक तो नहीं मालूम मुझे। लेकिन ग्रैहम पॉटर जो चेल्सी के लिए अपॉइंट हो चुका है एज अ मैनेजर ब्राइटन से, और इसमें मार्क कोको कुरेला वो तो बहुत खुश होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उनका जो फेवरेट कोच, पुरानी टीम का जो कोच है ना, वो आ रहा है। तो देखते हैं भाई चेल्सी की टीम में ये बंदा किस तरीके से वर्क करता है, चेल्सी को किस तरीके से लेके जाएगा और चेल्सी क्लब के वे में जाके ख़त्म करेगा अपना सीज़न। अब इससे पता चलेगा नई जर्नी शुरू हो चुकी है, टॉमस टुकेल का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो चुका है। ग्रैहम पॉटर का नाम आ रहा था, मैं सोच रहा था कि ये नहीं आएगा, लेकिन चेल्सी ने भाई इसको अपॉइंट कर लिया, अपनी टीम के लिए मैनेजर बना दिया है। अब देखते हैं कि क्या होगा, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या होगा, क्योंकि बदल तो कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि मैनेजर आ चुका है और ट्रांसफ़र विंडो भी एंड हो चुकी है। तो अब इसी प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ेगा। और अभी इतनी सारी साइनिंग हुई है चेल्सी की, उसका भी उसको भी देखना है भाई, इतनी ज़बरदस्त साइनिंग करके गया है टॉमस टुकेल, तो भाई क्या करेगी ये टीम, क्या चैंपियंस लीग जीतेगी? तो यार देखते हैं, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो करके रखो। और फिर मैं सोच रहा था कि लाइव वीडियो बनाऊँ स्ट्रीम करूँ, लेकिन मैंने सोचा यार छोटी सी वीडियो बना देता हूँ तुम लोगों को,
पता चल जाएगी मेरी बात, जो मेरी फीलिंग्स है फुटबॉल को लेकर। और चैनल को और पेज को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करो भाई, व्यूज़ नहीं आ रहे।